नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। भारत में सोने की कीमतों के बढ़ने के साथ ही 9 कैरेट सोने की ज्वेलरी की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही 9 कैरेट सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्क को अनिवार्य कर सकती है। BIS ने पहले ही 14, 28, 22, 23 और 24 कैरेट सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की कार्यकर्ता आभार यात्रा 10 से 17 सितंबर तक समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिलों में होगी। इस दौरान तेजस्वी स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और विधानसभा सीटों के पंचायत से प्रखंड तक के नेताओं से चर्चा करेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा। पटना में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि राज्य में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। बोर्ड के अनुसार नवीनतम डेटा में औद्योगिक इकाइयों के लिए सहमति के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। ये संकेत करता है कि बिहार में निवेशक विश्वास और औद्योगिक विस्तार बढ़ रहा है। अमेजन नदी 121 सालों में सूखे का सामना कर रही है। पानी का तापमान इंसान के तापमान से 2 डिग्री ज्यादा हो गया है, जिससे लाखों जलीय जीव जंतुओं की मौत हो गई है। मरने वाले जीवों में 150 डॉल्फिन भी शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सूखा ग्लोबल वार्मिंग और जल नीनो जैसी परिस्थितियों के कारण हो सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले आरोपी शहजादुज्जम्मा उर्फ सैफी को बेगूसराय न्यायालय ने जमानत दे दी है। केवल 72 घंटे में जेल से बाहर आए सैफी ने अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को जमानती बताते हुए जमानत की मांग की थी। सैफी पूर्व आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष और बलिया नगर परिषद के पार्षद हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपनी क्लासिक लीजेंड्स ने जावा ब्रांड की एक नई बाइक जावा 42FJ 3 सितंबर 2024 को लॉन्च की। जावा ने 44 साल के अंतराल के बाद वापसी की है और भारतीय बाइक प्रेमियों में उत्साह पैदा किया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में जूनियर डॉक्टरों का बंद प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। पिछले 3 हफ्ते से अधिक समय से जारी बंद के कारण अधिकांश सरकारी चिकित्सा सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्किंडे कार्तिकेय ने बिहार के लोगों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, जिसके बाद उनकी पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई लोगों ने बिहार की ऐतिहासिक धरोहर और सामाजिक सम्मान की रक्षा की बात की, जबकि कुछ ने कार्तिकेय की आलोचना की और उन्हें जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों की बुरनेई यात्रा पूरी करने के बाद सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। वही वे बुरनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने पर जोर दिया है। बिहार में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1 महीने के अंदर मुआवजा मिलेगा। मुआवजा भुगतान में देरी करने वाली बीमा कंपनियों की लोकपाल में शिकायत की जाएगी। परिवहन विभाग बीमा कंपनियों की रैंकिंग भी जारी करेगा। 80 मामलों में 16 बीमा कंपनियों पर 3,96,00,000 रुपए बकाया है। बकाया को देखते हुए विभाग ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के मामले में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर मूर्ति स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती तो ये टूटने से बच सकती थी। गडकरी ने तटीय क्षेत्रों में जंगरोधी सामग्री के उपयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1.45 लाख करोड़ रुपए की अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें 99% राशि स्वदेशी सप्लायर से खरीदी जाएगी। नए उपकरणों में हाईटेक टैंक, रडार और गश्ती विमान शामिल हैं। पूर्णिया में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की कार्य समिति की बैठक मंगलवार को जिला अध्यक्ष असलम आजाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ मजबूती से लड़ेगी।
राजस्थान के करौली जिले के एथलीट सुंदर गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में F46 वर्ग में 64.96 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। इस शानदार उपलब्धि पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सराहना की है। हरतालिका तीज के अवसर पर मेहंदी बाजार में महिलाओं की भीड़ जो है काफी बढ़ गई है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाई जाएगी, जिससे एक सप्ताह पहले ही महिलाएं जो है सिंगार की तैयारियों में जुट चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि जब उनकी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी तो राज्य के सभी बुलडोजर गोरखपुर की ओर मोड़ दिए जाएंगे। IRCTC ने चेन्नई से शुरू होने वाले 6 दिन के डिवाइन नेपाल विद मुक्तिनाथ टूर पैकेज की घोषणा कर दी है। इस पैकेज में पर्यटक नेपाल की प्रमुख और सुंदर जगहों का भ्रमण कर पाएंगे। ये IRCTC का पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज है। PwC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या 15% की सालाना वृद्धि दर के साथ 20 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्ड उद्योग ने जारी किए गए कार्ड की संख्या को दोगुना किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गति के जारी रहने की संभावना है, जिससे बाजार की वृद्धि दोबारा हो सकती है। भारतीय सराफ बाजार में आज 4 सितंबर 2024 को सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। आज गिरावट के साथ सोने का रेट 71,280 रुपये तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं। निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल स्मॉल सेविंग्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये नियम अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। दिल्ली की खान मार्केट में एक जोमैटो डिलीवरी बॉय सोनू अपनी 2 साल की बेटी को कंधे पर लेकर डिलीवरी का काम करते हैं। स्टोर मैनेजर देवेंद्र मेहरा ने इस नज़ारे की फोटो जो है सोशल मीडिया पर साझा की और बताया कि सोनू एक सिंगल पेरेंट है जो अपनी बेटी के साथ काम कर रहे हैं। मेहरा के पोस्ट वायरल होने के बाद जोमैटो ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। सहारा में फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को आदेश दिया है कि वे अपनी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा दें और इस प्रक्रिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 2012 में जारी आदेश के तहत सहारा को 15% ब्याज के साथ निवेशकों का पैसा सेबी को वापस करना है। बल्लेबाज ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी करने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईशान दलीप ट्रॉफी में इंडिया डी टीम के स्क्वाड के हिस्सा है, जिसकी मेजबानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। क्रिक बज रिपोर्ट की माने तो ईशान किशन पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वे चोटिल हो गए हैं। IAS अफसर अनुदीप दुरिसेट्टी ने 5वें प्रयास में UPSC परीक्षा में पहले रैंक प्राप्त कर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। पहले कई बार निराशा का सामना करने के बावजूद उन्होंने मेहनत और संकल्प से ये उपलब्धि हासिल की। UPSC टॉपर अनुदीप दुरिसेट्टी की मार्कशीट वायरल हो रही है। भारत के धुआंधार ओपनर अभिषेक शर्मा आज 23 साल के हो गए हैं, अपना आज जन्मदिन मना रहे हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले अभिषेक के जन्मदिन पर युवराज सिंह ने जबरदस्त अंदाज में विश किया, हैप्पी बर्थडे अभिषेक, उम्मीद है कि आप जितने छक्के मारते हैं इस साल उतने सिंगल्स भी लेंगे, मेहनत करते रहिए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अनचाही कॉल्स पर रोक लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। ट्राई ने 2.75 लाख टेलीफोन नंबरों को बंद कर दिया है और 50 टेली मार्केटिंग फर्मों की सेवाएं जो है निलंबित कर दी है। ये कदम हाल ही में अपनाए गए सख्त नीतिगत रूख के तहत उठाया गया है। एप्पल अपनी नई आईफोन 16 सीरीज को 9 सितंबर 2024 को एक विशेष इवेंट के दौरान पेश करने जा रहा है। इस इवेंट में आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस के साथ साथ आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स भी लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा नए iOS, iPad, Mac और एप्पल वॉच सीरीज 10 की घोषणा भी की जा सकती है। भारत में FDI ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 47% की वृद्धि दर्ज की है।
जो 16.17 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भारत में निवेश मामले में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है। जम्मू काश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रामबन में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर बेरोजगारी और असामाजिक नीतियों का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस जम्मू काश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, नौशाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, राम बाबूदास, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, नवनीत कुमार, सपना कुमारी, मोतीलाल कुमार, बलराम मंडल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपकी माँ ने आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण सलाह दिए हैं? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दीजिए। धन्यवाद।